September 3, subject English, lesson 3, आपका subject आज, the selfish gent, यह हमारा video 3 है, here the selfish gent का अर्थ होता है स्वार्थी, राक्षस, ये gent means हुआ राक्षस, इसमें एक कहानी है, जिसमें एक स्वार्थी राक्षस क्या करता है, उसके पास क्या क्या है, this story has written by Oscar Wilde, या एक पोएट ना ऑथर है ऑस्कर विल्डे उन्हीं की रचना है वे लिखे हैं दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्फिश जेंट या स्टोरी सेल्फिश जेंट जो लिखे हैं इसमें बताया गया है कि देयर आर थ्री तीन स्टेप्स इन दिस स्टोरी इसमें तीन स्टेप है कहानी का एज सीन फर्स्ट सीन सेकंड एंड सीन थर्ड तीनों मिला के ये स्टोरी जो है बना हुआ है देयर वाज ए सेल्फिश जेंट इन हिज नाइस गार्डन यानी जेंट के पास एक गार्डन था उसी गार्डन में वे रहा करते थे हिज गार्डन वाज फुल ऑफ सो मेनी फ्लावर्स उस गार्डन में बहुत सारे फूल थे फूल के पौधे थे स्वीटली सिंगिंग बर्ड्स और वहां पर बहुत पेड़ पौधे होने के कारण बहुत सी चिड़िया भी रहती थी गुनगुनाती थी चहचहाती थी देयर लिव देयर चिल्ड्रेन नियर हिज गार्डन लाइक ए चाइल्ड वन चाइल्ड टू एंड चाइल्ड थ्री ऐसा देखा गया उसके बगीचे यानी उसके गार्डन के बगल में सामने तीन बच्चे थे रहते थे जो हमेशा खेलते थे दे ऑल क्लोज फ्रेंड्स वो तीनों बच्चों आपस में दोस्त थे वन डे दे ऑल चिल्ड्रेन वांडर्ड इन जेंट्स गार्डन एक दिन खेलते खेलते तीनों बच्चे उस जेंट्स के गार्डन में पहुंच गए दे आर प्लेइंग इन दिस गार्डन जब वे गार्डन में खेल रहे थे द जेंट बिकेम वेरी एग्री जब राक्षस उन्हें देख लिया बहुत गुस्से में आए और एंड चेक्ड देम आउट ऑफ द गार्डन उन सभी बच्चों को गार्डन से वे खदेड़ करके भगा दिए बाहर निकाल दिए द जेंट ब्यूल्ट ए वॉल अब वह राक्षस गार्डन के चारों तरफ चार दीवारी के रूप में दीवार खींच दिए अराउंड हिज कंपाउंड जहां तक उसका गार्डन था ताकि वे बच्चे फिर दोबारा खेलने न आ सके आफ्टर सम डे कुछ दिन के बाद ऑल चिल्ड्रन केम अगेन फिर वहां सभी बच्चे आए देखा कि एक वॉल दीवार जो है खड़ा है द साफ ए होल इन द गार्डन देखा कि दीवार को है दीवार में एक छेद है एक तरफ से और बच्चे ड्रू द होल्स दे ऑल चिल्ड्रेन उस छेद से ये बच्चे इंटर द गार्डन फिर बगीचे में प्रवेश कर एंड प्ले और खेलने लगे द विंटर सीजन का इतने में समय जो है ठंडी का आ गया जाड़े का मौसम आ गया ऑल फ्लावर्स एंड लीव्स हैज बीन फॉलन और जाड़े के दिन में पतझड़ मौसम हो जाने के कारण बहुत सारे फूल पौधे जो है खिलने नहीं लगे उनकी पत्तियां झड़ने लगे नो एनी बर्ड्स आर क्वीकिंग और वैसे ठंडे मौसम में चिड़िया का चहचहाना बंद हो गया गुनगुनाना यानी चिड़िया जो गीत गाती थी गुनगुनाती वे भी बंद हो गए इस ठंडी के कारण द जेंट हाउ राक्षस सोचा व्हाई स्प्रिंग इज नॉट कम इन हिज गार्डन जैसे पहले क्या हुआ रहता था चिड़िया गुनगुनाती थी बच्चे खेलते थे अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ही बिकेम वेरी सैड वह राक्षस बहुत उदास हो गया ही न्यू देयर चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग उनको यह ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे यहाँ खेलने नहीं आते हैं इसी के कारण शोर नहीं होता है जिससे सो ऑल बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग इसलिए चिड़िया भी जो है वह चहचहाती नहीं है ही नोइंग दिस ऐसा समझ करके ऐसा जान करके वह क्या किया दिस अलाउड टू प्ले ऑल चिल्ड्रेन इन हिज गार्डन वह सभी बच्चों को खेलने की अनुमति दे दिया कि गार्डन में आके सभी बच्चे तुम लोग खेल सकते हो एट द वॉल ड्रॉप और दीवार जो बना हुआ था दीवार को भी उसने तोड़ दिया नाउ ऑल चिल्ड्रन बिकेम हैप्पी अब सभी बच्चे के जो है खुश हो गए एट इंटर्ड हिज गार्डन एज यूजुअल टू प्ले और जैसा पहले घुस करके वो खेलते थे आनंद लेते थे बगीचे का वैसा करने लगे द जेंट ऑल्सो यूज टू प्ले
सुनहरा मौसम जैसा उनको फील होने लगा। द सेल्फिश जेन ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी। वह राक्षस बहुत खुश हो गया टू प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन। बच्चों के साथ में जब खेलता था बहुत खुश होता रहा। दिस वे दिस स्टोरी इस प्रकार से यह कहानी द सेल्फिश जेन टीचेज अस टू रिमेन लिव ऑलवेज टुगेदर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए एंड प्ले टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खेलना चाहिए विद ईच अदर। दिस इज द मोरलिटी ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी द सेल्फिश जेन। यही इस कहानी की नैतिकता है, नैतिक बातें हैं। थैंक यू।